इस संडे को देश में सुपरटेक के नोएडा में बने ट्विन टावर जोरदार ट्रेंड कर रहे थे। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बिल्डिंग के तमाम फोटोज और वीडियोस हर एंगल से शेयर किए जा रहे थे। वजह यह कि इस 800 करोड़ की इमारत को सरकार ध्वस्त कर रही थी, माने गिरा रही थी। यहाँ ध्वस्त शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जमीन दोस्त सुनते सुनते आप भी थक गए होंगे। बिल्डिंग गिर गई, लेकिन एक सवाल रह गया, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं जो इतनी बड़ी बिल्डिंग को चुटकियों में गिराकर चले गए। सुपरटेक की बिल्डिंग गिराने का जिम्मा मुंबई की कंपनी एडवाइस इंजीनियरिंग का था। एडवाइस ने साउथ अफ्रीका से डिमोलिशन एक्सपर्ट्स को भी इस टीम में शामिल किया था। इसके साथ ही ये डिमोलिशन CSIR की CBRI यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में हुआ। CBRI का जिम्मा देश भर में कंस्ट्रक्शन, इमारतों और हाउसिंग से जुड़े मुद्दों पर साइंटिफिक टेक रखते हुए देश के हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। वापस सुपरटेक पर आते हैं। सोचिए कि जब किसी इमारत का डिस्ट्रक्शन लोगों को इतना फैसिनेट कर सकता है, तो उसके कंस्ट्रक्शन की, उसके बनने की कहानी कितनी मजेदार होगी। देश और दुनिया में ऐसी कई इमारतें हैं जो गजब ढा रही हैं, और ये तो आप जानते ही हैं कि इन इमारतों को बनाने का जिम्मा सिविल इंजीनियर्स का होता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं, कोई गम नहीं, हम बताते हैं। नमस्ते, हेलो, गुड इवनिंग, मैं हूं मानसी और रंगरूट शो का एक और एपिसोड आ गया है, जहां आज बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, बेस्ट कॉलेजेस और करियर स्कोप पर। भारत जैसे फलते फूलते बढ़ते देश में सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप बेहतरीन है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जहां हर रोज कई नई इमारतों की नींव रखी जा रही है। कई शहरों में मेट्रो का काम जारी है, तो किसी में बड़ा सा मॉल बन रहा है, लोग अपने सपनों का घर बना रहे हैं और बिल्डर्स हजारों और लोगों के सपनों का घर। और केंद्र और प्रदेश की सरकारें भी लगातार डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही हैं। रोड्स, हाईवे, डैम, ब्रिज, स्काईस्क्रेपर्स, मॉल, मेट्रो, होटल, ऑफिस, ट्रीटमेंट प्लांट्स और जाने क्या क्या बन रहा है। तो मतलब सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप तो तगड़ा है गुरु। इसमें आपके पास प्राइवेट के साथ साथ सरकारी नौकरी का भी ऑप्शन है। सिविल इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी ब्रांच में से एक माना जाता है, तभी इसे मदर ऑफ इंजीनियरिंग भी कहते हैं। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर बात करते हैं। इंजीनियरिंग के हर ब्रांच की तरह ही सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी आपको 4 साल की बीटेक की डिग्री करना पड़ती है। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें एडमिशन के लिए ये जरूरी है कि छात्र ने 12वीं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ पास की हो। इसके बाद AIEEE, IIT JEE, BITSAT जैसे कई सारे एग्जाम्स हैं जो देश के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको देने होंगे। इसमें कई सारे नेशनल और स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स हैं। इंडिया टुडे MDRA सर्वे के मुताबिक इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट सरकारी कॉलेज की बात करें तो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर सबसे बेस्ट है। वहीं देश भर में IIT मद्रास को भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शीर्ष माना जाता है। वहीं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सबसे ऊपर बिट्स पिलानी है। इसके अलावा IIIT हैदराबाद, BIT मेसरा, MIT मणिपाल और BMS बैंगलोर देश के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इंडिया टुडे MDRA सर्वे में अलग अलग फील्ड के टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट पर वीडियो आपको ललन टॉप के नए चैनल रंगरूट यानी कि यहाँ मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग के बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में खास आपके लिए डाल दी गई है। और बताइए, आगे बढ़ते हैं। कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो 10th के बाद ही सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का कोर्स कराते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है। शर्त यह है कि छात्र ने 10th क्लास कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास की होनी चाहिए। दिल्ली CET, APJEE, पंजाब PET जैसे एग्जाम्स आप दे सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद अगर छात्र को BTEC करना है तो उसे सीधे लैटरल एंट्री के जरिए BTEC के सेकेंड ईयर में भी एडमिशन मिल सकता है। BTEC के बाद सिविल इंजीनियरिंग में आप MTEC, MBA और PhD जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं। सुपरटेक के ट्विन टावर डिमोलिशन को मॉनिटर करने वाली CBRI भी सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद PhD और MTEC के कोर्स ऑफर करती है। सिविल इंजीनियरिंग में आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग ये करते ही हैं क्योंकि बिल्डिंग से लेकर डैम या फिर ब्रिज सब कुछ बनाने की ज्योमेट्री एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है, इसलिए स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है। आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कोस्टल एंड ओशन इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, लैंड डेवलपमेंट, मटेरियल्स इंजीनियरिंग,
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन कोर्स कर महारत हासिल कर सकते हैं। अब बात नौकरी की करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में सरकारी और प्राइवेट दोनों फील्ड में नौकरी की जा सकती है। अरे भैया, आप यूपीएससी भी दे सकते हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के जरिए आपको नौकरी मिल जाएगी और लगभग एक आईएएस ऑफिसर जैसी सुविधाएं होंगी। भावनाओं में नहीं बहते हैं और डिटेल में बात करते हैं। सिविल इंजीनियर कर चुके युवाओं के पास आगे कई सारे ऑप्शन हैं। आप यूपीएससी की इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, एसएससी, जेई, गेट, आरआरबी जेई, आरआरबी एसएसई, स्टेट ए और जेई एग्जाम्स के अलावा साइंटिस्ट एबीसी ग्रुप के एग्जाम्स भी दे सकते हैं। यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के जरिए चुने जाने वाले इंजीनियर पब्लिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्लास 1 ऑफिसर्स के तौर पर शामिल होते हैं। इसमें ज्यादातर असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर की पोस्ट ऑफर की जाती है। सिविल इंजीनियर सरकारी बिल्डिंग्स, नगर निगम, सरकारी प्रोजेक्ट से लेकर भारतीय रेलवे, बिजली, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सेक्टर्स में विशेष रूप से काम करते हैं। यूपीएससी के जरिए चुने जाने वाले सिविल इंजीनियर्स की शुरुआती सैलरी 45 से 50,000 के बीच होती है। साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी के साथ मिलने वाले तमाम पर्क्स भी मिलते हैं। गेट एग्जाम क्रैक करके आपको ONGC, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BHEL जैसे संस्थानों में नौकरी मिल सकती है। वहीं बाकी एग्जाम्स क्रैक कर आप नेशनल और स्टेट लेवल पर सिविल इंजीनियर की तमाम पोस्ट पर काम कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग है साइंटिस्ट ABC ग्रुप के एग्जाम। इसे क्रैक कर आप इसरो और DRDO जैसे संस्थानों में काम कर सकते हैं, वो भी बतौर साइंटिस्ट। यानी सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी सिविल इंजीनियर्स की जोरदार डिमांड है। सुपरटेक के ट्विन टावर्स को ही ले लीजिए। इसे बनाने से लेकर इसे गिराने तक का काम बिना सिविल इंजीनियर्स के हो ही नहीं सकता था। प्राइवेट बिल्डर्स से लेकर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जैसे L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, गेमन इंडिया, सुपरटेक, GMR ग्रुप, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसी सैकड़ों कंपनियों में सिविल इंजीनियर्स की जरूरत है। सिविल इंजीनियर्स देश की तस्वीर बदल रहे हैं। आज रंगरूट शो में फिलहाल इतना ही। ये शो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा, और ये भी कि आप अगला शो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हमें अपने सुझाव, फीडबैक, आइडियाज, कमेंट्स और मेल के जरिए बताइएगा। शुक्रिया। देखते रहिए रंगरूट।